ये है टुक टुक अपने साथ फिर से। इसमें क्या लगता है आप लोगों को, इसको रोड से उठा के उस दिन रेस्क्यू तो कर लिया था कि एक्सीडेंट से बच जाए, तो अब क्या करना चाहिए? इसको अपने साथ रखना चाहिए, पालना चाहिए घर में, या फिर से इसको अपनी नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए ताकि ये आज़ादी से अपनी लाइफ जी सके, क्योंकि इनकी लाइफ तो सुना है बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना। इसको तो अभी 100-200 साल और जीना है। हाँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है इसको उसी सेम प्लेस पे जाके मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि उसके पास उस दिन रोड पे तो कुछ मुझे नहीं दिखा था इससे वाटर सिस्टम, बट अब मैंने सर्च किया है उसी जगह के आसपास एक बड़ा तालाब, ताकि है थोड़ा दूर उससे, बट यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। और ये देख, यस, यहाँ पे हो सकता है और भी बहुत सारे हों, क्योंकि रोड के किनारे इसको छोड़ दे तो फिर से अगर खेत में भी डाल देती तो भी ये फिर से आ जाता रोड पे। तो आज इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, है ना? अच्छा है ना? वैसे मैं अकेली हूँ यहाँ पे, स्नेक्स भी हो सकते हैं और कुछ, बट कोई बात नहीं, भगवान सब अच्छा करता है ना। आ जाओ टुक टुक, दिख रहा है ना इतनी लंबी गर्दन इसने निकाली है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ये देखते हैं, वाह, बाय टुक टुक, खुश रहो, चलो अपनी फैमिली मेंबर्स को ढूंढो। इसलिए मैं तुम्हें किसी नदी में नहीं छोड़ा, नहीं तो तुम दूसरे फैमिली मेंबर्स को ढूंढते, फिर क्या पता उनके साथ तुम्हारी एडजस्टमेंट होती या नहीं, तो शायद तुम इसी तालाब के आसपास से गए हो। वाह, उग गया, वाह, थैंक्स गॉड। चलो, अच्छा इतने स्पीड से वहाँ तक चला गया, वाह, ये भी खुश, मैं भी खुश, कितनी शांति है यहाँ पे। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि शायद इनको पालना भी इल्लीगल होता है, बट रेस्क्यू तो कर ही सकते हैं यार, ऐसे तो फिर रोड पे किसी को मिलेगा तो बेचारा कोई किसी को टच नहीं करेगा। बट ठीक है, इसको बेचना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बट अपने नेचुरली इसको अगर कोई चोट लगी है तो उसको ठीक करके आप मेरे ख्याल से ऐसे नेचुरल हैबिटेट में फिर से उसको छोड़ सकते हैं।